ज्वालामुखी माउंट लियोटोबी लाकी-लाकी में जोरदार विस्फोट, इंडोनेशिया में तबाही का कहर, रिंग ऑफ फायर पर स्थित ज्वालामुखी। जापान ने किया बड़ा खुलासा, लॉन्च कर सकता है लकड़ी से बना पहला उपग्रह, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश होगा जापान। सामने आई वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024, 8 मिलियन से अधिक लोगों में टीबी का हुआ निदान, टीबी उन्मूलन के लक्ष्य से भारत अभी है दूर। वैज्ञानिकों ने की प्राचीन शहर की खोज, माया सभ्यता से संबंधित है प्राचीन शहर, मैक्सिको में पाया गया है यह शहर। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, जारी हुआ नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए दिशा निर्देश, महिलाएं अब उड़ा सकेंगी ड्रोन। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी में ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया है। इस दौरान ज्वालामुखी से निकली चट्टाने और राख से आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान देखा गया। ऐसे में इंडोनेशियाई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस ज्वालामुखी गतिविधि को स्तर 4 के रूप में वर्गीकृत किया है। स्तर 4 ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए उच्चतम खतरे का संकेत है, जो गंभीर स्थिति को दर्शाता है। बता दें कि यह ज्वालामुखी जुड़वा ज्वालामुखी प्रणाली का हिस्सा है, जिसे स्थानीय निवासी नर और मादा पर्वत मानते हैं। वहीं वर्तमान में हुए ज्वालामुखी विस्फोट को नर पर्वत यानी लेवोटोबी लाकी-लाकी का हिस्सा माना जा रहा है। इसके दूसरे हिस्से यानी मादा पर्वत को लेवोटोबी पेरेम्पुआन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पर्वतों को स्ट्रेटो वोल्केनो के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो विश्वभर में सबसे अधिक पाए जाने वाले ज्वालामुखी हैं, और इनका निर्माण ज्वालामुखी के क्रेटर से बार बार निकलने वाले लावा की परतों से होता है। जानकारी के लिए बता दें कि माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो प्रशांत महासागर के किनारे पर फैला एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी और भूकंप गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। इंडोनेशिया के पास ऐसे करीब 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जोखिम वाले क्षेत्रों में से एक बनाते हैं। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान राफेल ने जमैका को पार कर लिया है। जमैका को पार कर यह तूफान क्यूबा की ओर बढ़ने लगा, जहां इसके हरिकेन में बदलने की संभावना जताई जा रही थी। यह तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रहा था। इस उष्णकटिबंधीय तूफान की वजह से केमैन द्वीप समूह और क्यूबा के पश्चिमी प्रांतों में हरिकेन की भी चेतावनी जारी की गई। उल्लेखनीय है कि क्यूबा कुछ दिन पहले ही हरिकेन ऑस्कर से प्रभावित हुआ था, जिसकी वजह से द्वीप के पूर्वी हिस्से में लैंडफॉल भी हुआ था। बता दें कि उष्णकटिबंधीय तूफान एक प्रकार की निम्न दबाव प्रणाली है, जो उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर बनती है। यह तेज हवाओं और भारी वर्षा के साथ जुड़ी होती है और समुद्री क्षेत्रों में गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने के लिए समुद्री जल का तापमान कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब गर्म और नम हवा ऊपर उठती है तो समुद्र की सतह पर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनता है। यह निम्न दबाव क्षेत्र आसपास की हवा को अपनी ओर खींचता है, जिससे चक्रवातीय गति शुरू होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में तूफान वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। बता दें कि उष्णकटिबंधीय तूफान में हवा की गति 63 से 118 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। जब हवा की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है तो यह हरिकेन, चक्रवात या टाइफून में बदल जाता है। हाल ही में जापान ने दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह लिग्नोसेट लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह उपग्रह अंतरिक्ष में लकड़ी के व्यवहार और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के उपयोग का परीक्षण करेगा। यह परियोजना क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो फॉरेस्ट्री के सहयोग से विकसित हुई है। बता दें कि इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे की समस्या को हल करना है, जो वर्तमान में एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बन चुकी है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 9,300 टन से भी अधिक अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है, जिससे गंभीर संकट उत्पन्न हो सकते हैं। उपग्रह में लकड़ी के उपयोग से अंतरिक्ष यान पुनः पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही पूरी तरह जल जाएंगे और पृथ्वी के वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करेंगे। गौरतलब है कि लिग्नोसेट विशेष रूप से मैग्नोलिया लकड़ी से निर्मित है, जिसे टिकाऊ और बायोडिग्रेडेबल होने के कारण चुना गया है। इस लकड़ी को संसाधित करना आसान है और यह टूटने के लिए प्रतिरोधी होती है। यह उपग्रह चुंबकीय उपकरणों और सेंसरों से सुसज्जित होगा, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए डेटा संग्रह करेगा। इस परियोजना के पीछे का विचार अंतरिक्ष में पारंपरिक धातुओं की जगह लकड़ी जैसे विकल्पों का परीक्षण करना है। यह कदम अंतरिक्ष अन्वेषण में एक स्थायी समाधान की दिशा में एक बड़ी पहल है।
और भविष्य में पर्यावरणीय अनुकूल तकनीकों के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मैक्सिको के प्रायद्वीपीय जंगल में प्राचीन माया सभ्यता के एक शहर की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस खोज में लिडार तकनीक का उपयोग किया है। बता दें कि कई लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है जो लेजर प्रकाश के स्पंदन का उपयोग करके सतह की ऊंचाई और अन्य विशेषताओं का सटीक 3D मॉडल बनाने में सक्षम है। यह तकनीक आमतौर पर विमानों या ड्रोन में स्थापित सेंसर के माध्यम से कार्य करती है जो पृथ्वी की सतह पर लेजर बीम भेजते हैं और उनकी परावृत्ति का समय मापते हैं जिससे दूरी की सटीक गणना संभव होती है। इस उपकरण में एक लेजर, एक स्कैनर और एक GPS रिसीवर शामिल होता है। इसमें लेजर किरणें जमीन पर भेजी जाती हैं जहां वे पेड़ पौधों, इमारतों और अन्य सतहों से टकराती हैं। ये किरणें वापस लौटकर लिडार से सेंसर तक पहुंचती हैं जो उसकी वापसी का समय मापकर दूरी की सटीक जानकारी प्राप्त करता है। जानकारी के लिए बता दें कि लिडार तकनीक का उपयोग भू आकृति विज्ञान, वन प्रबंधन, शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA PROBA-3 मिशन लॉन्च के लिए तैयार है। इसे भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। यह मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए 2 उपग्रहों का उपयोग करेगा जो अंतरिक्ष में कृत्रिम सूर्य ग्रहण उत्पन्न करेंगे। लॉन्च की तिथि 4 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। प्रोबा 3 मिशन में 2 उपग्रह शामिल हैं, एक ऑक्लूटर और दूसरा कोरोना ग्राफ। ये उपग्रह मिलकर सूर्य के मुख्य भाग को छिपाएंगे जिससे वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना का विस्तृत अध्ययन करने में सहायता मिलेगी। यह तकनीक पृथ्वी से देखे जाने वाले प्राकृतिक सूर्य ग्रहण के समान है लेकिन अंतरिक्ष में इसे लंबे समय तक बनाए रखा जा सकेगा। बता दें कि इस मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-XL रॉकेट उपयोग में लाया जाएगा। PSLV-XL इसरो का विश्वसनीय प्रक्षेपण यान है जो विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर चुका है। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी शुरुआत अंतरिक्ष में भारत की उपस्थिति स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। 1972 में इसे अंतरिक्ष विभाग के अधीन लाया गया। हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से 75 में से लगभग 1/3 बाघों के लापता होने की खबर सामने आई है। इस चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने जांच समिति का गठन किया है। बाघों का इस प्रकार गायब होना वन्यजीव संरक्षण के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बता दें कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह बाघों की उपस्थिति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बाघों की संख्या में गिरावट और उनके लापता होने की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। मसलन 2011 में 4 बाघों के लापता होने की पुष्टि की गई थी। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बाघों की घटती संख्या को रोकना और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना था। प्रारंभ में इस परियोजना में 9 बाघ अभयारण्यों को शामिल किया गया था। इस परियोजना के परिणाम स्वरूप भारत में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह अभयारण्य अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है जो इसे प्राकृतिक सुंदरता और विविधता से समृद्ध बनाते हैं। रणथंभौर का क्षेत्रफल लगभग 1334 वर्ग किलोमीटर है जिसमें मुख्य राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य और आसपास के जंगल शामिल हैं। गौरतलब है कि यहाँ रणथंभौर किला स्थित है जो 10वीं शताब्दी का है। इस किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इस टाइगर रिजर्व में बाघों के अलावा तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर, चीतल, नीलगाय और कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। हाल ही में WHO ने ग्लोबल TB रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2023 के आंकड़ों के आधार पर टीबी की वैश्विक स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में लगभग 8.2 मिलियन लोगों में टीबी का निदान हुआ है जो 1995 में निगरानी शुरू होने के बाद से अब तक सबसे अधिक संख्या है। वहीं रिपोर्ट में टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई में प्रगति और वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। गौरतलब है कि भारत WHO के टीबी उन्मूलन लक्ष्य से अभी काफी दूर है। ऐसे में रिपोर्ट की माने तो भारत में 2015 से 2023 के बीच टीबी के मामलों में केवल 18% की कमी आई है जबकि 2025 तक 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं टीबी से होने वाली मौतों में 24% की कमी आई है। इसके लिए 2025 तक 75% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि विश्व स्तर पर सबसे अधिक टीबी का बोझ भारत पर है जो अकेले भारत में वैश्विक मामलों का 26% है। भारत के बाद इंडोनेशिया 10% के साथ दूसरे और चीन 6.8% के साथ तीसरे स्थान पर है।
जानकारी के लिए बता दें कि टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक बीमारी है जिसका वाहक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया है। इसे क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक क्रॉनिक संक्रमण है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या थूकने से हवा के माध्यम से फैलता है। इसके उपचार के लिए बैसिलस कैलमेट क्यूरिन एकमात्र लाइसेंस प्राप्त टीका है जो यह शिशुओं और छोटे बच्चों में टीबी के गंभीर रूपों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। भारत का लक्ष्य 2025 तक क्षय रोग टीबी को समाप्त करना है जो कि वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 वर्ष पहले है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार आरंभ हुआ। यह संयुक्त अभ्यास 2 नवंबर 2024 को अमेरिका के इडाहो स्थित ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आरंभ हुआ जो 22 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर संचालन क्षमता में सुधार करना और विशेष संचालन रणनीतियों का आदान प्रदान करना है। बता दें कि यह संयुक्त अभ्यास का 15वां संस्करण है। गौरतलब है कि पिछला वज्र प्रहार अभ्यास दिसंबर 2023 में उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। दोनों देशों की 45-45 सैनिकों की टुकड़ियां इस अभ्यास में भाग ले रही हैं। भारतीय सेना की ओर से इस अभ्यास में विशेष बल इकाइयां और अमेरिकी सेना की ओर से ग्रीन बेरेट्स शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि विशेष बल किसी देश के सशस्त्र बलों की इकाई होते हैं जो गुप्त आतंकवाद रोधी और अन्य विशिष्ट अभियान चलाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान उच्च शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और सामरिक अभ्यासों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में संयुक्त विशेष बल अभियानों की क्षमता में वृद्धि हो सके। यह एक वार्षिक अभ्यास है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष बलों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट में एशिया प्रशांत क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के गंभीर आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चलते एशिया प्रशांत क्षेत्र में वर्ष 2070 तक सकल घरेलू उत्पाद में 17% की कमी देखी जा सकती है। वहीं उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के तहत वर्ष 2100 तक यह आंकड़ा 41% तक बढ़ सकता है। भारत में वर्ष 2070 तक GDP में 24.7% की गिरावट आ सकती है जबकि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में 30.5% की गिरावट, वियतनाम में 30.2% की और इंडोनेशिया में 26.8% की गिरावट देखी जा सकती है। गौरतलब है कि रिपोर्ट में समुद्र स्तर में वृद्धि और श्रम उत्पादकता में कमी को प्रमुख आर्थिक नुकसान के कारकों के रूप में चिन्हित किया गया है जो कम आय वाले कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को अधिक प्रभावित करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना साल 1966 में एशिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य बुनियादी और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ऋण, तकनीकी सहायता और अनुदान प्रदान करना है। इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। इसके 69 सदस्य देश हैं जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के परिचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों के अनुसार योजना केंद्रीय स्तर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास और उर्वरक विभाग के सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा शासित होगी। साथ ही ड्रोन की खरीद के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और सहायक उपकरण की लागत का 80% सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर स्तरीय संघ राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्त पोषण सुविधा के तहत शेष राशि ऋण के रूप में जुटाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों में से एक को 15 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इसमें अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और पोषक तत्व एवं कीटनाशक अनुप्रयोग के लिए कृषि उद्देश्य के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण शामिल होगा। बता दें कि इस परियोजना के तहत मुख्य उर्वरक कंपनियां राज्यों के लिए जिम्मेदार होंगी। वे राज्य विभागों, ड्रोन निर्माताओं, स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर स्तरीय संघों और किसानों के साथ जरूरी संबंध स्थापित करेंगी। जानकारी के लिए बता दें कि नमो ड्रोन दीदी योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य कृषि में किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराकर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसका लक्ष्य 2024 से 26 तक देश भर में 14,500 स्वयं सहायता समूहों की मदद करना है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, इसमें विस्फोट के साथ राख और लावा का उत्सर्जन नहीं होता है। तीसरा, यह किसी भी रूप में वैश्विक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं
विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। लीडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका पूरा नाम लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग है। दूसरा, यह रिमोट सेंसिंग तकनीक है। तीसरा, इसमें लेजर बीम, स्कैनर और जीपीएस इकाई शामिल होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। दूसरा, इसे 1989 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तीसरा, 1973 में से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से एक घोषित किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। दूसरा, इसकी स्थापना साल 1966 में हुई थी। तीसरा, इसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक गैर संक्रामक बीमारी है। दूसरा, इसका वाहक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है। तीसरा, यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की 352वीं शासी निकाय की बैठक जिनेवा में आयोजित की गई। इस बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने भारत की गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि में उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं और 2016-17 से 2022-23 के बीच लगभग 17 करोड़ लोगों को आर्थिक गतिविधियों में जोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया गया। गौरतलब है कि सम्मेलन का विषय एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका था। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि जब दुनिया आज कई मोर्चों पर अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है तो बौद्ध समुदाय के पास मानवता को देने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने एशिया को मजबूत करने और वास्तविक शांति लाने में बौद्ध धर्म की भूमिका पर चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया। हाल ही में भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में भाग लिया। यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन कार्यक्रम 5 नवम्बर से 7 नवम्बर तक आयोजित हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से 50 हितधारक इस वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में शामिल हुए। भारत मंडप में देश की समृद्ध संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं का प्रदर्शन किया गया, जिसमें विशेष रूप से विवाह पर्यटन, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन पर्यटन और महाकुंभ पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस प्रदर्शनी में भारतीय विवाह परंपरा की अनुभूति देने के लिए एक विशेष मॉक मंडपम भी बनाया गया था। हाल ही में भारत और वियतनाम की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 अम्बाला में शुरू हुआ। यह अभ्यास 23 नवंबर तक अम्बाला और चंडी मंदिर में आयोजित होगा। बता दें कि यह अभ्यास का 5वां संस्करण है जिसमें पहली बार दोनों देशों की सेना और वायुसेना के कर्मी शामिल हो रहे हैं। भारतीय दल की ओर से 47 सैनिक भाग ले रहे हैं जिनका प्रतिनिधित्व कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट कर रही है। उल्लेखनीय है कि इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में इंजीनियरिंग कार्यों के लिए दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। हाल ही में अभ्यास गरुण शक्ति के 9वें संस्करण की शुरुआत की गई। इसका आयोजन जकार्ता में किया जा रहा है जो 1 से 12 नवंबर तक चलेगा। यह अभ्यास भारत इंडोनेशिया का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बता दें कि इसका पहला संस्करण भारत में वर्ष 2012 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों को एक दूसरे की परिचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना है। साथ ही दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच आपसी समझ, सहयोग और अंतर संचालनशीलता को बढ़ाना। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच अभ्यास समुद्र शक्ति और इंडो कॉर्पेट का आयोजन किया जाता है।
हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने रिवर सिटी अलायंस के तहत हरिद्वार में गंगा उत्सव 2024 का उद्घाटन किया। इस उत्सव का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना और इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जोर देना है। बता दें कि रिवर सिटी अलायंस एक ऐसा संगठन है जिसमें अब देश भर के 145 नदी शहर शामिल हैं। यह नदी संवेदनशील शहरी नियोजन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से स्वस्थ शहरी नदियों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इस अलायंस में कोई भी नदी के किनारे बसा शहर किसी भी समय शामिल हो सकता है। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्यूलिप ब्रांड का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में आयोजित शिल्प समागम मेला 2024 के दौरान किया गया। बता दें कि ट्यूलिप शिल्प और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका लक्ष्य हाशिए पर रह रहे कारीगरों, विशेष रूप से SC OBC सफाई कर्मचारी और दिव्यांगजन को बिक्री के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है और उन्हें सशक्त बनाना है। साथ ही ई मार्केटिंग के जरिए उनके उत्पादों की वैश्विक पहचान बनाना है, जहां ई कॉमर्स के लिए ट्यूलिप डिजिटल प्लेटफॉर्म ई मार्केट प्लस के माध्यम से कारीगरों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगा और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। हाल ही में थाईलैंड ने घोषणा की है कि अब भारतीयों को देश में वीजा मुक्त प्रवेश मिलेगा। इससे भारतीय नागरिकों के लिए उसकी वीजा नीति अनिश्चितकाल के लिए बढ़ जाएगी, जो 11 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी। नई नीति के मुताबिक भारतीय पर्यटकों को अब बिना वीजा के थाईलैंड में 60 दिनों तक रहने की अनुमति है। वहीं स्थानीय आवर्जन कार्यालय के माध्यम से इस यात्रा को 30 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इस विस्तार के माध्यम से पर्यटकों को अब थाईलैंड में यात्रा करने में आसानी होगी, जो अपने प्राचीन समुद्र तटों और समृद्ध संस्कृति के कारण पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।